सोशल मीडिया पर ये वीडियो क्यों वायरल हो रही है, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी जिस तरीके से उनके आसपास नजर आ रही है, उसने कहीं ना कहीं सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। विराट सिर्फ एक नाम नहीं, एक ब्रांड है क्रिकेट का। सबसे पहले नंबर पे तो विराट कोहली, उसके बाद अगर आप बॉलिंग लाइन की बात करें तो बुमराह। ये दो प्लेयर तो मैं कहूंगा कि ये छुरी चाकू लेके साथ आएंगे, जख्मी करके भेजेंगे। इस वक्त दुनिया में क्रिकेट की प्रमोशन के लिए, क्रिकेट बेचने के लिए, क्रिकेट सिखाने के लिए उसकी तस्वीर भी लगा दी जाए, उसको भले वहां मौजूद ना हो, तस्वीर भी लगा दी जाए तो क्रिकेट समझ जाएंगे। पहले ओवर में पहली बॉल पे भी छक्का मार सकते हैं, वो पहले ओवर में आपको 24 ही मार सकते हैं, पहले ओवर में वो आपको 6 भी मार सकते हैं, आपकी बॉलिंग लाइन पे डिपेंड करता है। विराट कोहली वाकई क्रिकेट का किंग है, उसने आज ये प्रूव कर दिया। विराट कोहली की रिप्लेसमेंट नहीं है, ना किसी माने ऐसा बेटा पैदा किया है जो विराट कोहली की रिप्लेसमेंट बन सके। इंडिया का कौन सा प्लेयर पाकिस्तान के लिए खतरनाक हो सकता है? कोहली। देखिए वो बंदा ऐसा है, जिस वर्ल्ड कप में जिस सीरीज में खेला उसने रिकॉर्ड्स किए हैं, 82 सेंचुरीज उसके पास हो। विराट मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, यू एक्चुअली प्रेफर विराट? बिल्कुल। हमने फुटबॉलर को ही इतना फेमस देखा हुआ है, रोनाल्डो को, मेसी को, एम्बापा को, इसी तरह, लेकिन कोहली क्या बंदा है क्रिकेट की हिस्ट्री में, जिस बंदे के इतने फैंस, इतने। टीम इंडिया को यही कहेंगे कि तैयार रहना, इंशाल्लाह शिकस्त आपके मुकद्दर में होगी, और हमारे जो शेर जवान बॉलर हैं इन्होंने अटैक करना है, और ऐसा अटैक करना कि आपकी टांगे कांपेंगी। 9 जून को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में इंडिया का कौन सा प्लेयर पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा थ्रेट होगा, खतरा होगा? कोहली है, शर्मा है, पांड्या है और ऋषभ पंत है, क्योंकि उनकी ओवरऑल टीम अच्छी है, स्ट्रॉन्ग टीम है। हाँ, अच्छी टीम है, स्ट्रॉन्ग टीम है। बैट्समैन रोहित शर्मा आप कह सकते हैं और विराट कोहली भी कह सकते हैं, और बॉलिंग में आप देखें उनका जसप्रीत बुमराह भी अपनी फॉर्म में है, और वो जिस तरह का बॉलिंग कर रहा है तो वो काफ़ी खतरनाक हो सकता है। इंडिया का बैट्समैन कोई नहीं, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी बॉलिंग के आगे कोई टिक सकेगा। सर उनके पास रोहित शर्मा, विराट कोहली, जायसवाल, हार्दिक पांडे, इतने बड़े बैट्समैन। नहीं, हमारे पास भी तो बहुत कुछ, हमारे पास भी ऐसी ऐसी बैटिंग है, जालिम है। इंडिया का प्लेयर जी के पाकिस्तान का प्लेयर, इंडिया का प्लेयर कौन सा पाकिस्तान के लिए खतरनाक होगा? इंशाल्लाह जी, इंडिया का कोई प्लेयर भी खतरनाक नहीं होगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान के खतरनाक होंगे प्लेयर। जैसे बाबर आजम लगा लें, ठीक है, बैट्समैन, वो इंशाल्लाह अच्छा है, वो स्कोर करेगा इंशाल्लाह। मतलब कि आपको कोई प्लेयर खतरनाक, इंशाल्लाह हमें बाबर आजम के सिवा कोई अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको क्या लगता है कौन सा प्लेयर खतरनाक? रिजवान, बस इंडिया का कौन सा प्लेयर खतरनाक हो? इंडिया तो भाई कोई खतरनाक, कोहली खतरनाक है और कोई नहीं है। कोहली का लगता है 82 की इनिंग नहीं भूल रही आपको? कोहली भाई, कोहली तो सानू शक्ल डर जाने वे ही यार, एडे हैवी छक्के मारदा। लेकिन नहीं, बाबर आजम ही है। सर पता है क्या, हमारे पास सिर्फ एक ही प्लेयर है बाबर आजम, इंडिया के पास तो बहुत बड़ी। हाँ जी, बाबर ही। इंडिया का कौन सा प्लेयर खतरनाक लग रहा है? कोहली। आपको? कोहली। कोई भी नहीं इंडिया का नहीं लगता। उनकी इंडिया की साइड काफी अच्छी है इस बारी, क्योंकि यहाँ पे उनके सारे बैट्समैन और सारे बॉलर इन फॉर्म है। अर्शदीप सिंह है, उसने कल बॉलिंग की है बांग्लादेश के खिलाफ, वो जो उसने दास को इन स्विंग मारी है वो काफी खतरनाक थी, वो मैंने देखा कल मैच सारा, तो उसका इंडिया वाले भी काफी टफ होने वाले। कौन सा प्लेयर? सारे प्लेयर डेंजरस है यार, सारे डेंजरस है। आपको क्या लगता है? सारे के सारे हैं यार, एक का नाम लेंगे तो फिर लड़ाई हो जाएगी ना उनके साथ। अच्छा। सारे डेंजरस, जिसका नाम ले लो यार, जायसवाल है, रोहित शर्मा, विराट कोहली है, अगर आप बॉलिंग में चले जाओ तो बुमराह है उधर, सब ही मुश्किल में है पाकिस्तान के प्लेयर है या बॉलर। क्या उम्मीद है कोई एक स्पेसिफिक प्लेयर जो बहुत डेंजर होगा पाकिस्तान के लिए? स्पेसिफिक, पहले सबसे पहले नंबर पे तो विराट कोहली, और वो हमेशा से पहले नंबर पे है और सारी दुनिया जानती है उनको। उसके बाद अगर आप बॉलिंग लाइन की बात करें तो बुमराह। ये दो प्लेयर तो मैं कहूंगा कि ये छुरी चाकू लेके साथ आएंगे, जख्मी करके भेजेंगे। विराट कोहली के क्या आपको 82 रन की इनिंग अभी तक नहीं भूली है जो पाकिस्तान के खिलाफ लगाई थी? यार कैसे भूल सकते हैं यार, एक विनिंग मैच था उनकी तरफ से और इतना अच्छा स्कोर चेस किया उन्होंने, बहुत मजे की गेम, और हमेशा करते रहते हैं। हम 82 कह रहे हैं, वो जिस भी मैच में उतर जाते हैं पता चलता है कि यार कोई प्लेयर खेलने आया, और तसल्ली से खेल के जाते हैं। अब बुमराह टेरर है बॉलिंग में और विराट है बैटिंग में, किसी किसको नहीं पता यार। आपको क्या लगता है? यार मेरी तरफ से अगर देखा जाए जो पाकिस्तान के लिए थ्रेटनिंग है, दो प्लेयर्स हैं, हार्दिक पांड्या और विराट कोहली, जो हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ हिस्ट्री उठा के देख लें, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या का इंडिया को जितवाने में बड़ा अहम किरदार। पांड्या तक तो बात ही नहीं जानी, पांड्या तो आएगा तो फिर टेरर होगा ना। लेकिन इंडिया के खिलाफ इंशाल्लाह वो चलेंगे, इंडिया के खिलाफ तो वैसे भी जान मारते हैं हमारे पेसर, तो इंशाल्लाह हमें अपनी टीम पे पूरा यकीन है। तो जैसे लास्ट टाइम इन्होंने इंडिया के खिलाफ पार्टनरशिप की थी बाबर और रिजवान ने, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी इंशाल्लाह कोशिश पूरी होगी कि वो ओपनिंग पे चेज करेंगे इंशाल्लाह जितना टारगेट। अर्शदीप की कल के मैच में बॉलिंग देखी होगी, लाइक वो वसीम अकरम से भी बड़े स्विंग कर रहे थे,
इस चीज़ के में क्या थ्रेड नहीं आता इंडियन बॉलिंग का, उनके पास बुमराह भी है, हर्षदीप भी है, कुलदीप यादव जो कि पूरी दुनिया के जिसका आज तक हाथ पड़ा ही नहीं गया है। देखिए वो अभी वो रिसेंटली आईपीएल खेल के आए हुए उनके सारे प्लेयर, तो उनकी आई सेट भी ठीक है और वो मतलब ये पूरी परफॉर्मेंस में उनकी टीम अच्छी फॉर्म है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम भी कोई माड़ी टीम नहीं है। बिल्कुल, तो पाकिस्तान के साथ भी अच्छे पेसर हैं, बैट्समैन भी अच्छे हैं, तो इंशाल्लाह तगड़ा मुकाबला होगा, तो हम अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान हमारी जान है और जिंद जान है, हम अपनी टीम के साथ हैं, जैसे भी खेलेंगे इंशाल्लाह। तो वर्ल्ड कप में हमेशा पाकिस्तान किसी छोटी टीम से हारता है, इस बार यूएसए से तो नहीं हम हार जाएंगे? नहीं नहीं इंशाल्लाह, क्रिकेट बाय चांस है, जब दो खिलाड़ी मैदान में लड़ते हैं अखाड़े में तो फिर एक आधा तो हारता है एक जीतता है। पाकिस्तान ही क्यों छोटी टीम से हारा, इंडिया तो नहीं कभी छोटी टीम से हारा? बस पाकिस्तान ऐसे ही है, कभी बड़ी टीम को हरा देते हैं, कभी छोटी टीम से हार जाते हैं, तो ये तो क्रिकेट है, इसमें तो होता रहता है। इंशाल्लाह हम अपनी टीम के साथ हैं और इंशाल्लाह पूरी दुआएं हमारी साथ है पूरी कौम की, और इंशाल्लाह वर्ल्ड कप लेके आएंगे इंशाल्लाह। रोहित शर्मा ने एक बयान दिया हुआ है कि मैं अगर पांच पहले ओवर से पहले आउट हो गया तो बच जाओगे, अगर ना आउट हुआ तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। शर्मा इंशाल्लाह या शाहीन का शिकार है या फिर आमिर का शिकार है, इंशाल्लाह देखेंगे इंशाल्लाह इनको हमारी बॉलिंग। कोई टीम इंडिया को मैसेज दोगे आप? टीम इंडिया को यही कहेंगे कि तैयार रहना इंशाल्लाह, शिकस्त आपके मुकद्दर में होगी और हमारे जो शेर जवान बॉलर हैं इन्होंने अटैक करना है और ऐसा अटैक करना कि आपकी टांगे कांपेंगी। इंडिया का कौन सा प्लेयर पाकिस्तान के लिए खतरनाक हो सकता है? कोहली, विराट कोहली। आपको कौन सा लगता है? कोई भी नहीं, हमारे बॉलर बहुत अच्छे हैं। हमारे बॉलर तो न्यूजीलैंड से मार खा रहे हैं, आयरलैंड से मार खा रहे हैं, इंग्लैंड से सीरीज में मार रहे हैं। थोड़ा सा फोकस करें, ये बॉलर बहुत अच्छे हैं, वर्ल्ड क्लास बॉलर है हमारे, बस फोकस करें थोड़ा सा। हमारे बॉलर्स को भी एक प्लेयर का होता है ना, कोई बड़ा प्लेयर तो होता ही है एक टीम के अंदर, कौन सा इंडिया का बड़ा प्लेयर है? वीक पॉइंट पे उसको हिट करें ना। विराट का क्या वीक पॉइंट नजर आता है आपको? मेरा ख्याल है कि वो जो लेग पे जो है ना वो खेलता है वो नहीं, उसको थोड़ा सा वीक है, वो थोड़ा सा वीक है। तो अपने बॉलर पकड़ पाएंगे विराट कोहली को? इंशाल्लाह जरूर, क्यों नहीं, पहले पकड़ा नहीं उसको। 9 जून को पाकिस्तान पहले बैटिंग करे जीतेगा या बॉलिंग करे जीतेगा? पाकिस्तान पहले बैटिंग करे तो ज्यादा अच्छा, चेजिंग साइड पे बाबर आजम चेजिंग साइड पे ज्यादा जाता है इंडिया के खिलाफ, लेकिन जो है बैटिंग पहले करे तो ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि देखे बॉलर हमारे अच्छे हैं, बैटिंग पे कोई भरोसा नहीं होता, क्योंकि बाबर आजम और रिजवान आउट हो गए, पीछे से कोई नहीं आता नीचे से ज्यादातर। 9 जून को कितना टारगेट एक्सेप्ट करते हैं पाकिस्तान मारे तो इंडिया से जीतेंगे हम? इंडिया को इस वक्त टारगेट 170, 180, 190 इतने का टारगेट देंगे तो जीतेंगे, क्योंकि उनके पास यंगस्टर्स हैं, उन्होंने पहले ओवर में पहली बॉल पर भी छक्का मार सकते हैं, वो पहले ओवर में आपको 24 भी मार सकते हैं, पहले ओवर में वो आपको 6 भी मार सकते हैं, आपकी बॉलिंग लाइन पर डिपेंड करता है। रोहित शर्मा का आपने स्टेटमेंट सुनी है, वो बोलता है कि मैं 5 ओवर खड़ा हो गया तो मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्या हम इसे 5 ओवर से पहले रोहित शर्मा को पकड़ देंगे? रोहित शर्मा को शाहीन अफरीदी जिस तरह बॉल कर रहा है, आमिर जिस तरह है, वो पकड़ भी सकते हैं, क्योंकि आमिर के नाम से तो रोहित शर्मा पहले ही कांपता होता था, पर आमिर अभी अपनी फॉर्म में नहीं है ये नहीं हम कह सकते, लेकिन शाहीन अफरीदी जो है वो पकड़ लेगा। मतलब कि डू एंड डाई लग रहा है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।